हेलो एवरीवन, मैं प्रिया और सुधी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रियादीप में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। शाम के बज रहे हैं 6 और मैं भी आज ही मैं वीडियो डालूँ। आज है संडे तो इतने शाम में मैं वीडियो शूट करने बैठी हूँ। कैसे लग रहा है? हमने थोड़ा सा लुक चेंज किया हुआ है बहुत टाइम बाद, बोले तो सालों बाद मैंने ऐसे मैगी कर्ल बनाया हुआ है जिसे बनाने में बहुत टाइम लगा। और कई बार ऐसा लग रहा है कि हाँ फेस पे अच्छा लग रहा है और कई बार ऐसा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। डेली डेली एक ही लुक में दिखने से अच्छा है कि कभी कभी कुछ नया ट्राई कर ले, है ना। मैगी कर्ल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि जब भी हम इसे बनाते हैं ना तो हमारा जो फोरहेड है बहुत चौड़ा दिखता है। जस्ट बिकॉज मेरे फोरहेड देख लीजिए बहुत चौड़े हैं, और मेरे मायके में सब लोग बोलते हैं कि जिनका फोरहेड चौड़ा होता है काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। तो आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है क्या? अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ जंपसूट हॉल शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट आप देख लीजिए इससे, इसका इतना ज़्यादा ऐड आ रहा था, फ्लिपकार्ट ऐड अगर आपने देखा होगा तो उस पर इस वाले जंपसूट का बहुत ही तगड़ा वाला ऐड था। तो मैंने उसे देखा और तुरंत मैंने ऑर्डर कर दिया। प्लस पॉइंट क्या है पता है? फ्लिपकार्ट ना ओपन बॉक्स डिलीवरी करता है तो फ्रॉड होने का डर बिल्कुल भी नहीं रहता, और वो आपको दिखा देते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने मंगाया है वही है कि नहीं है। तो ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। स्क्रीन पे इस साइड पर मैं पूरा लुक लगा रही हूँ, आप देख लीजिए बहुत प्यारा है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ही प्यारा फिनिश आया हुआ है, देख रहा हूँ नेक का बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आज के इस वीडियो में लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बहुत हो रहा है। तो फर्स्ट जंपसूट हमारे है वेलवेट का, और इन दिनों फिर वेलवेट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अभी तो गर्मियाँ जाने वाली हैं, विंटर आने वाली है, तो वेलवेट का वैसे भी मौसम आने वाला है। बाहर जिसको बोलते हैं कि चारों तरफ आपको वेलवेट वेलवेट ही दिखने वाला है, वेलवेट के कुर्ता, वेलवेट के सूट्स, वेलवेट का लहंगा, वेलवेट का साड़ी, मतलब हर एक चीज वेलवेट बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में होता है। सो फर्स्ट जंपसूट हमारा ये है। आपको कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है ना तो लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन कमेंट कम्युनिटी में, उसके थ्रू जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड जंपसूट की तरफ। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, आप जरा देखिए, मतलब आपके पास ज़रूर होना चाहिए। वैसे तो इसकी प्राइस है 3000, बट ये मुझे डिस्काउंट में शायद 500 या 600 रुपए का मिला था, और अभी सेल चल रही तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। बाय द वे, कोई भी पेड या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद के पैसों से मंगाया हुआ है, और ये बहुत ही खूबसूरत है। इसमें सिक्वेंस वर्क हो रखा है। एक्चुअली मैं कलर देखना चाह रही हूँ कि कौन सा कलर है, लेकिन यहाँ पर कहीं कलर मेंशन नहीं है। हाय, वाइन कलर। तो ये मुझे थोड़ा सा कॉफ़ी कलर में लग रहा था, लेकिन ये वाइन कलर है और बहुत ही प्यारा है। आज का बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज है, मैंने सोचा चलो यार सोफे पे बैठ के बनाते हैं, और डेली खड़े होके बनाते हैं। एक्चुअली मेरे पास ना बैठने के लिए कुछ खास है नहीं जिस पे बैठ के मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, तो मुझे मार्केट जाना था। मैंने सोचा था संडे जाऊंगी, बट अब लेट हो गया है तो आज भी हो गया, नहीं जा पाऊंगी। एंड सो सॉरी कि मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे। आप में से काफ़ी सारे लोग डीएम करके पूछ रहे हो दी आप कहाँ हो, काफ़ी सारे लोग मेरे कमेंट बॉक्स में, तो मेरा कमेंट डिसेबल कर दिया है इंस्टाग्राम ने। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया था। एक्चुअली एक वीडियो मेरा वायरल हो गया था तो उसमें 20,000 कमेंट आ गए थे, तो इंस्टाग्राम ने कमेंट डिसेबल कर दिया है। आई थिंक 7 या 8 डेज के लिए किया है उन्होंने। तो अभी आज 2 ही दिन हुए हैं, मैं किसी को कमेंट भी नहीं कर सकती हूँ। तो ये है हमारा सेकेंड। मैंने सोचा यहाँ पर बता दूँ, मैं भी आप लोग देखो तो समझ जाओ कि मैं किसी को क्यों रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कमेंट करना ही बड़ी बात नहीं होती, उसका रिप्लाई देना भी बड़ी बात होती है। तो मेन रीज़न यही है गाइज, अदरवाइज मैं मेरे इंस्टाग्राम पे आपको ज़रूर रिप्लाई देती हूँ। अगर आप डीएम की हो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो यार प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 3-3.5 लाख की फैमिली है हमारी, आई थिंक 4 लाख होने वाले हैं। तो इतने सारे डीएम आए हैं मुझे, बट अगर आप मुझे कमेंट करोगे आई एम डैम श्योर कि मैं आपका डीएम उस टाइम, अगर आप बोलोगे दी प्लीज डीएम चेक कर लो, तो आई एम डैम श्योर कि मैं आपका डीएम जरूर चेक करूंगी, आपको रिप्लाई दूंगी। तो अगर आपको बात करनी है मुझसे तो मेक श्योर डीएम डायरेक्ट ना करके ना आप कमेंट कर दिया करें, तो उससे मैं देख लूंगी आपका कमेंट, इसके बाद मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड जंपसूट की तरफ, जो कि कुछ इस तरीके का है, येलो कलर में है और बहुत ही प्यारा है, अफोर्डेबल है, तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ पूरा ओपन कि पूरा स्क्रीन ले लेगा, फिर लुक बुक लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लुक बुक एक ऐसी चीज़ है जिसे देख के ना इंसान इंस्पायर्ड होता है, उसको अच्छा लगता है कि हाँ यार ये लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे इसको ट्राई करना चाहिए। और मेरा हमेशा का यही होता है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, बट मैं अच्छे से स्टाइल करके दिखाने में बिलीव रखती हूँ, ताकि आप लोग देखो तो लो और
कई लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे मैंने कभी कोई प्रोडक्ट शेयर किया तो देखो यार, एक बात है कि जितना आप पैसा लगाओगे ना उतनी की ही आप उम्मीद करो कि हम 400 लगा रहे हैं तो हमें 400 से ज़्यादा का जो मिल रहा है, 400 से 600 का इतना ही आप उम्मीद लगा के रखो कि आपको क्वालिटी उतनी ही मिलेगी। 400 में आप 4000 वाली क्वालिटी की उम्मीद बिल्कुल भी मत करो कि आप 400 की क्वालिटी में 4000 की क्वालिटी में दोनों में कंपेरिजन करेंगे कि दोनों सेम है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगी, क्योंकि यार सुना है ना आपने कि जिस हिसाब से पैसा लगाएंगे काम भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि सस्ता कुछ ही दिन चलता है, कहावत है एक हमारे यहाँ लोग कहते हैं, सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार। तो सस्ता जो होता है ना उसका क्या है कि वो कुछ ही दिन चलेगा, लेकिन जो आप महंगा लेते हो ना वो बहुत दिन तक चलता है। तो ये हो गया मेरा थर्ड। अब मैं आपको दिखाती हूँ फोर्थ, जो कि बहुत ही प्यारा कलर है और इस तरीके से है, प्रिंटेड है थोड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं, मैं कलर वगैरह बता देती हूँ, रेड कलर में है, वेरी लस ब्रांड का है। अगर आप ऐसे पहनना पसंद करते हो तो आप ले सकते हो, मैं तो पहनती हूँ, नेहा भी पहनती है, हम लोग पहनते हैं, बट यहाँ लखनऊ में पहनते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो पहन लेते हैं, या फिर मतलब ऐसे जहाँ पर पहनने लायक है। देखो यार मैं ना उस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ, जैसा देश वैसा वेस, मेरा स्टार्टिंग से ही मानना है। और अगर आप मुझे पहले से नहीं देख रहे हो तो मेक श्योर आप जाओ मेरा प्रियादीप का पुराना ओल्डेस्ट वीडियो में जाओ, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा जो ड्रेसिंग सेंस है, स्लीवलेस वगैरह, मैं अभी से नहीं पहन रही हूँ, 6-7 साल पहले से ही पहन रही हूँ। जब मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी उसके पहले से, जब मैं मेरे हस्बैंड के साथ बाहर रहने आई थी ना, तब से ही मैं पहनना मतलब पहनती थी। कुछ लोग बोलते हैं आप तो पहले साड़ी पहनते थे, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे मेरे ससुराल के ब्लॉग से देखना स्टार्ट किया हुआ। तो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जंपसूट की तरफ। तो ये बहुत ही प्यारा सा जंपसूट है, बहुत ही प्यारा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। ये वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और एक जाने माने ब्रांड का है, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं दिखा रही हूँ, तो पूरा स्क्रीन पे यहाँ पर लुक लगा रही हूँ, आप देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। आप इन सारे जंपसूट में से कौन सा जंपसूट ट्राई करना चाह रहे हो, अगर आप मेरी मानो तो ये वाली ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अलग लुक दे रहा है, मतलब बहुत ही प्यारा, कलर इतना अच्छा है ना कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलेगा ही मिलेगा। और अभी विंटर आने वाली है तो अच्छे से इसका यूज़ हो जाने वाला है, क्योंकि विंटर में ना वेलवेट का ट्रेंड होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना, बार बार मेरा ध्यान मेरे इन मैगी हेयर पे जा रहा है। तो मैंने सबका लिंक प्रोवाइड कर दिया कमेंट कम्युनिटी डिस्क्रिप्शन में, तो आप कहीं से भी जाके ले सकते हैं। इवन आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने वहाँ पर भी वीडियो शेयर कर दिया हुआ है, किस तरीके के वीडियोज़ देखने हैं कमेंट में ज़रूर बताना। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर रहे हो कि नहीं नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, फटाक से फॉलो कर लो। मैं आप लोगों से हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि ना मुझे फेसबुक पे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर मेरे जो फैन पेज हैं उनके अच्छे खासे फॉलोवर हैं और मेरे तो भाई है ही नहीं, 4000 फॉलोवर है। सोचो अभी मुझे फेसबुक का पता चला कि ऐसे ऐसे यूज करते हैं, अदरवाइज मुझे फेसबुक चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। तो अब दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून।